औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। पोएम नंबर 3, द बेंगल सेलर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी पोएम में स्पीकर कौन है। हेयर आर स्पीकर इज बेंगल सेलर, स्पीकर जो है वो बेंगल सेलर है। हाउ आर द बेंगल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड हु आर दीज, यानी कैसे, यानी चूड़ियां बयान की गई है पहले स्टैंजा में पोएम के, और वो कौन कौन सी हैं। यानी द बेंगल्स आर डिस्क्राइब्ड, और पहला है यानी डेलिकेट एंड ब्राइट, दी लुक लाइक अ रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, दीज बेंगल्स आर फॉर डॉटर्स एंड वाइव्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दी पोएट यूजेस डिफरेंट स्माइलिंग फॉर दी बेंगल्स, व्हाट आर दीज, यानी पोएट ने इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ तरीके से मुस्कुराना किसके लिए, बेंगल्स के लिए, ये यानी ये क्या है। दी स्माइल्स यूजेस इन द पोएम्स आर ये है सिल्वर एंड बिलियो, एज द माउंटेन्स मिस्ट फ्लैशेड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न, लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, लाइक हर ब्रिडल लाफर एंड ब्रिडल टेयर। तो ये मुख्तलिफ यानी स्माइल्स बयान की गई हैं। नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल्स मेंशनड इन द पोएम, What do these colors? यानी मुख्तलिफ बेंगल्स के जो कलर हैं उनके नाम लिखने हैं, और वो कौन कौन से हैं। द यानी ये क्या करते हैं, the different colors यानी mentioned in the poems are कौन कौन से हैं, silver, bilio, purple, golden and rainbow tinted, these colors represents different stages in the life of a woman, यानी इसमें मुख्तलिफ कलर्स जो है मेंशन हैं पोएम में, कौन कौन से हैं, सिल्वर कलर है, बिलियो, पर्पल, गोल्डन है और रेनबो है टिंटेड। तो दीज कलर्स जो हैं ये जाहिर किए गए हैं यानी मुख्तलिफ स्टेज के लिए औरत के। The word some has been repeated in the poem for a purpose, what is it, यानी वो लफज जो बयान किया गया है कौन सा है। Here the words some कौन कौन से हैं, has been used for different bangles that are for different person, वो मुख्तलिफ अशखास के लिए हैं, and for different purpose और मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो ये नीचे अब जो है लाइनें हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस, सम आर मीट फॉर ए मेट्स अरेस्ट सिल्वर एंड बिलियो एज द माउंटेन मिस्ट एंड दीज लाइंस, ये जो लाइनें हैं ये बयान की गई हैं इन इस लाइनों में। एंड दीज लाइंस द पोएट वांट्स टू से, ये क्या कहना चाहता है, दैट ए बेंगल सेलर हैज यानी डिफरेंट बेंगल्स एंड सम ऑफ दीज बेंगल्स आर किसके लिए, फॉर एन अनमैरिड गर्ल्स, यानी कुछ अनमैरिड जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कियों के लिए, दे आर ऑफ द प्रॉपर साइज, वो प्रॉपर साइज की होती हैं, फॉर ए किसके लिए, मेडन्स यानी कुआरी की क्रेस्ट कलाई के लिए। सम ऑफ दीज बेंगल्स आर सिल्वर एंड बिलियो इन कलर्स जस्ट लाइक द माउंटेन मिस्ट। तो
ये दो लाइनें हैं, ये यानी बयान की गई हैं इनके लिए। अब है रीड द पोएम वंस अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज इन द पोएम, यानी ये पोएम को दोबारा पढ़ना है और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो दी गई हैं वो हमने भरनी है। बेंगल्स आर सेड टू बी एज डैश डैश सर्कल्स ऑफ लाइट, तो इसमें पहले में आएगा रेनबो टेंटेड, ये ऊपर दिए गए हैं बेंगल सलर सनलिट कॉर्न फ्लेकर्ड ग्रे रेनबो टेंटेड, इसमें आएगा रेनबो टेंटेड। दूसरा है सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ डैश डैश, इसमें आएगा सनलिट कॉर्न। तीसरा है सम बेंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड डैश डैश फ्लेकर्ड ग्रे, पीपल बाय दीज बेंगल्स फ्रॉम ए डैश डैश, यानी बेंगल सेलर खरीदते। अब नीचे द पोएट हैज यूज्ड सेवरल एक्सप्रेशन विच फॉर्म पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, मिसाल के तौर पर फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न एंड सर्कल ऑफ लाइट, पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएट। अब यूज द अब इसमें पोएम से हमने यानी निकालना है तो ये जो नीचे दिया गया है ये डब्बा एक बना है इसको भरना है एम ओ, अब इसमें है एम ओ बी हमें भरना है, एम ओ फिर है मौत, तीसरा है एम ओ एन टी एच मंथ, एम ओ टी एच ई आर मदर, एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, एम ओ यू एन टी ए आई एन माउंटेन, एम ओ लिखा है आगे हमने इसके ये जो है ये भरने हैं। तो ये था यानी पोएम हमारी। अब इसके यानी दूसरा पार्ट जो है इसको भी कंप्लीट करना है, यानी द पोएट हैज यूज्ड सेवरल एक्सप्रेशन विच फॉर्म्स पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड्स, आई फील्ड्स ऑफ सनलिट एंड सर्कल्स ऑफ लाइट, पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशन। तो ये थी हमारी यानी पोएम नंबर 3 द बेंगल सेलर।